आपके तो ये जो गोलगप्पे इतने कड़े मेरा तो मुंह ही छिल गया, घायल हो गया जी मेरा मुंह, जैसे घायल हो गया कार्तिक, ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, और घायल भी हुआ तो ऐसे घायल वाले शहंशाह के रूप में आ गया है। वो क्या है ना, हैलोवीन पार्टी बना रहा है, अभी तो बेचारा जेल से छूट कर आया तो बस पार्टी कर रहा है। हाँ हाँ दे दो भैया, अच्छा है ना। रिश्ते में तो ये कायरव के पिता लगते हैं। नाम है इनका कार्तिक, लेकिन आज कार्तिक ने अपना रूप बदल लिया है और अमिताभ बच्चन मोड में जाकर शहंशाह बन चुके हैं। अब कार्तिक को हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होना था, लेकिन यहाँ लगता है कार्तिक ने अपने हैलोवीन नाइट के लिए शहंशाह के भूत वाले लुक को अपनाया है शायद, या ये कह लीजिए कि घायल शहंशाह अब हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार है। इस पूरे लुक में अगर कमी है तो कुछ जंजीरों की और साथ में सफेद दाढ़ी और मूंछ की, अगर वो एड ऑन हो जाता तो कार्तिक पूरे शहंशाह लगते। हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होकर कार्तिक ने अपने आप को इस रूम में बंद कर लिया है और एक कश्मकश से गुजर रहे हैं कार्तिक कि आखिरकार उन्हें जिंदगी में आगे किसके साथ बढ़ना चाहिए, नायरा या वेदिका। और कार्तिक उस रूम में आए हैं जहां उन्होंने नायरा के यादों में कई रातें बिताई हैं, और यहीं आकर कार्तिक ने फाइनली फैसला कर लिया है कि वो अपनी जिंदगी अपने प्यार यानी कि नायरा के साथ ही बिताना चाहते हैं। एक तरफ कार्तिक ने नायरा की ओर बढ़ने का फैसला ले लिया है तो दूसरी तरफ वेदिका के एक्स ने भी एंट्री ले ली है गोयंका हाउस में, और इस एक्स की एंट्री के साथ नायरा कुछ परेशान सी नजर आ रही है। वेदिका के हस्बैंड के बारे में एक जो बहुत लंबा राज था वो अब रिवील हो चुका है कि वो अक्षत है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, और अक्षत इससे प्यार भी करता है, थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर है, थोड़ा सा पैसों को लेके कनिंग है, पैसों को लेके थोड़ा सा ज़्यादा सोचता है, तो इस तरह से कुछ है एंड काफ़ी ड्रामा है उसमें आगे। यहाँ एक तरफ नायरा परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ वंश भी हैरान परेशान है, क्योंकि वंश के बर्थडे के दिन कोई उसे विश ही नहीं कर रहा, और वंश इस बात से अनजान है कि कायरव ने उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, वो है एक हैलोवीन बर्थडे पार्टी। कि बर्थडे की पार्टी है ना, जो मैं उन सबको बोल के रखा है कि ना कोई भी नहीं बोलेगा वंश भैया को हैप्पी बर्थडे, क्योंकि ना फिर वंश भैया को पता चल जाएगा कि उनकी हैलोवीन पार्टी है, इसलिए हम उसको असली में भी बताना नहीं चाहते, इसलिए प्लीज़ कोई भी वंश को नहीं बताएगा कि उसकी हैलोवीन पार्टी है। खैर वंश की हैलोवीन पार्टी भी हम आपको जल्द दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप पर्दे के पीछे का नज़ारा देखते जाइए कि ये फुटबॉल कैसे सबको एंटरटेन कर रहा है सेट पर। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।